हेलो दोस्तों, आई आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग ऑटोकैड 3D के बारे में इन डीप्स कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स पढ़ेंगे। सॉरी, पहले तो काफ़ी दिन बाद मेरे वीडियो आ रहे हैं क्योंकि मैं बीमार हो गया था और अभी जाके मेरे तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। अब आपको ट्यूटोरियल्स कंटिन्यू मिलेंगे। दोस्तों, जो 3D में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको डिस्कस किया था और बताया भी था, तो हम लोग यहाँ पे वर्क स्पेस पर क्लिक करना होता है। वर्क स्पेस पर क्लिक करके आप जैसे आप क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन मिलेगा 3D मॉडलिंग का। जस्ट आपको 3D मॉडलिंग पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपका रिबन पैलेट सामने चेंज हो गया। रिबन पैलेट चेंज होने के बाद तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रिबन पैलेट चेंज हुआ है। रिबन पैलेट चेंज होने के बाद मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ एक्सट्रूड लॉफ्ट एंड स्वीप रिवॉल्व कमांड्स के बारे में। आज की वीडियो में कुछ नई कमांड्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिलेट एज। बड़े ही इंपॉर्टेंट कमांड है फिलेट एज। तो देखिए आप इसे में देख सकते हैं एलिवेशन इसके एनिमेटेड व्यू में किस तरह से फिलेट एज कमांड यूज होती है। हम लोग देखते हैं करके फिलेट एज कमांड के लिए। सबसे पहले व्यू कंट्रोल पर क्लिक करिए और किसी भी एक आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाइए। हमने आइसोमेट्रिक व्यू में आके कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से डायरेक्ट बॉक्स लिया, और बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स हमने ड्रॉ किया। अब आपको ध्यान ये देना कि बॉक्स का आप स्केलिंग क्या ले रहे हो। लाइक इस समय देखिए आप तो 26x24 नियर अबाउट हमने स्केल लिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप फिलेट एज कमांड पे रेडियस डालेंगे। देखिए जैसे हमने इसको रियलिस्टिक किया, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे फिलेट एज कमांड डालना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे फिलेट एज लीजिए, ये लेने के बाद राइट क्लिक रेडियस। अब रेडियस उसके अकॉर्डिंग ही, अगर 25x24 है तो उसके अकॉर्डिंग ही 5, 2, 3 ऐसे रेडियस डालिए। कुछ लोग क्या करते हैं 1000x1000 का रेक्टेंगल बना दिया और रेडियस डाल दिया 1 का, पता ही नहीं चलता कि फिलेट एज लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो वो गलती मत करिए। यहाँ पर हमने 3 लिया, 3 लेके एंटर किया। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका फिलेट एज कमांड यूज़ हो चुका है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ऑटोकैड जब आप 2D पढ़ते थे तो वहाँ पर मल्टीपल करना पड़ता था ज़्यादा बार यूज करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे डबल टाइम से एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए आपके सामने आप आ गया। शिफ्ट और माउस की मिडिल बटन जिसको पैन बोलते हैं से आप स्क्रॉल करके प्रॉपर देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। दिस वन इज चैम्फर एज। फॉर चैम्फर एज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट वन बॉक्स अगेन लाइक दिस। आफ्टर दिस जस्ट गो टू चैम्फर एज, चैम्फर एज एंड देन राइट क्लिक। देर इज ऑप्शन इज डिस्टेंस एंड इन डिस्टेंस यू कैन जस्ट एंटर हियर। सपोज आई वांट डिस्टेंस इज 10 फर्स्ट डिस्टेंस। आप ध्यान से अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा, स्पेसिफाई फर्स्ट डिस्टेंस। हमने फर्स्ट डिस्टेंस दे दिया 10, एंटर। एंड देन सेकेंड डिस्टेंस, आई वॉन्ट सेकेंड डिस्टेंस इज 15, जस्ट क्लिक 15। अब सेम काम करना है आपको, सिर्फ कॉर्नर पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन कॉर्नर यू कैन सी योर फिलेट कमांड्स इज वर्क लाइक दैट। इफ यू वॉन्ट दिस साइड ऑल्सो यू कैन जस्ट क्रिएट एंड देन डबल टाइम्स एंटर। सी योर ऑब्जेक्ट विल चैम्फर्ड हियर, गॉट इट। ओके, ये सब टर्म्स हमको बहुत यूज़फुल तब होते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे वहाँ पे हमें फिलेट एज बार बार यूज़ करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा आपको चैम्फर एज, तो इन सब के बारे में आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पर एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं टेपर कमांड। टेपर कमांड भी बहुत ही यूज़फुल कमांड है। जैसे कि हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया, अभी हम लोग कमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आगे कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे। सो जिसका भी गैप हुआ था उसके लिए आपसे सॉरी, बिकॉज हमने थोड़े से गैपिंग्स ला दी, मेरे थोड़ी सी टाइफाइड मुझे हो गया था इसकी वजह से। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं टेपर कमांड। ऐसे टेपर कमांड लिया, टेपर कमांड लेने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद या तो आपको जिस भी फेस को करना है, सपोज मुझे इस फेस को टेपर करना है, तो आप क्या करिए फिर टेपर कमांड लीजिए और इस फेस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जस्ट इंटर क्लिक करना है। जैसे इंटर क्लिक करेंगे देखिए आपसे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। देन सपोज योर बेस पॉइंट इज फ्रॉम हीयर टू हीयर, यू कैन जस्ट इंटर हीयर फ्रॉम हीयर टू हीयर। देन इंटर योर टैपर एंगल, एंगल पे ये टैप करता है। सपोज आई वांट एंगल इज 15, जस्ट इंटर 15 हीयर। देन इंटर 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 3 टाइम्स व्हेन यू इंटर सी योर ऑब्जेक्ट इज टैप फॉर हीयर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, गॉट इट।
ओके नेक्स्ट इज एक्सट्रूड फेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, एक्सट्रूड फेस। हम लोग देखने आ रहे हैं एक्सट्रूड फेस को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए भी हमने एक बॉक्स लिया, और ये बॉक्स लेने के बाद जैसे सपोज हमको एक बेड बनाना हो, या एक जैसे घरों में हमारे यूज होता है दीवान वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ शेप बनाना है, तो उस शेप को हम लोग इस तरह से ले लिए। और ये लेने के बाद यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर देखिए आपको एक्सट्रूड फेस मिलेगा। एक्सट्रूड फेस लेने के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है कि किस फेस को हमको एक्सट्रूड करना है, देन इंटर। आप पॉजिटिव में एंटर करोगे तो ऊपर जाएगा, एक्सट्रूड होगा, जैसा कि आपको नॉर्मल एक्सट्रूड से पता है कि नॉर्मल एक्सट्रूड कैसे चलाते हैं। बट अगर आपने माइनस में वैल्यू डाल दिया, -5 सपोज आई वांट -4, इंटर। देन एंगल, किस एंगल में मटेरियल नीचे जाए, सपोज आई वांट एंगल इज 30, इंटर। इंटर सी आफ्टर टू टाइम्स इंटर, आपका ये ब्लॉक कैसे हुआ, ये नीचे 30 के एंगल पे नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया, 4। तो देखिए आपने देखा होगा घरों में जो दीवान वगैरह यूज होते हैं वो इसी तरह से रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आप बहुत से डिजाइन बना सकते हो घरों के लिए, तो हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज ऑफसेट फेस। ये पूरा जो वीडियो बनने जा रही है, पूरा का पूरा वीडियो आपका कमांड बेस है, और इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो कोई हम एक पूरा का पूरा घर तैयार करेंगे, उसका सेट हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग उसमें इसको यूज करते हैं। ऑफसेट फेस दोस्तों क्या होता है, ऑफसेट फेस इज लाइक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और आफ्टर दिस देर इज ऑप्शन इज ऑफसेट फेस। जस्ट क्लिक योर ऑफसेट फेस एंड देन सेलेक्ट फेस विच फेस यू वॉन्ट टू ऑफसेट, इंटर। एंड ऑफसेट डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस यू वॉन्ट टू ऑफसेट, सपोज यू वॉन्ट 150, यू कैन जस्ट हियर क्लिक हियर 150, इंटर 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 सी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, 150 आ गया, डन। तो हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से हम लोग फिलेट एज, चैम्फर एज, टैपर, एक्सट्रूड एंड ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके आगे की जो कमांड्स वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग सेक्शन प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको इसके अलावा भी अगर किसी प्रॉपर एक कमांड के बारे में जानना है तो आप दोस्तों नीचे कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस कमांड के बारे में जानना है और किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है।